गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं LSRW। एक क्विक रिव्यू अगर हम इस टॉपिक का लें तो हमने इससे पहले 2-3 वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर बना दिए हैं। LSRW में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि लिसनिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको अगर रिविजन के तौर पर बताऊँ तो लिसनिंग में कई सारी चीज़ें बता दी थी। जैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लिसनिंग का टॉपिक आपको बता दिया है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग, जिसमें हमें पता चलता है कि लिसनिंग जो होता है जिसमें हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं, बट हियरिंग होता है जिसमें हम सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मैंने आपको लिसनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि लिसनिंग एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय लिसनिंग। देन वी डिस्कसेस अबाउट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग, मतलब अगर हम एक अच्छी लिसनिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट वी डिस्कस्ड दैट what are the importance of listening, why we do listening or why we undergo the through the process of listening. Then we studied what are the advantage of good listening. In our first lecture when we ended, we studied the last topic, that what is the difference between the poor listening and effective listening. ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल मैंने आपको बता दी थी। फिर भी अगर आप इनका एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, यानी कि जब हमें लिसनिंग करनी होती है तो हम और आप क्या क्या करते हैं। अगर हमें लिसनिंग करनी होती है तो लिसनिंग में हम ये सब काम करते हैं। ठीक है, जब हमें लिसनिंग करनी होती है तो लिसनिंग के हम ये 6 प्रोसेस या 6 पॉइंट्स को हम और आप याद में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिसनिंग के पॉइंट्स की बात करने के बाद बात करते हैं प्रोसेस के, तो उसके बाद जो मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग के टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया था दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिसनिंग का ही एक पार्ट है बट एक इम्पॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब बैरियर्स नाम का टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय बैरियर, या बैरियर का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बैरियर की बात करूं तो बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, या ऑब्स्टिकल्स को हम और आप हर्डल्स भी कहते हैं, और हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं रुकावट या रुकावटें। यानी कि जब हम और आप एक अच्छी लिसनिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो उसमें रुकावट का काम करती हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि दुनिया में हम और आप कोई भी काम करते हैं तो हमें और आपको रुकावट का सामना करना पड़ता है। अब रुकावट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लिसनिंग कर रहे हैं यानी कि हम और आप किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो वो भी आपका एक रुकावट का काम उसमें हो सकता है। ठीक है, उसमें रुकावट का काम हो सकता है। अगर हम रुकावटों की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें आपका, फोर्स्ड अटेंशन। ठीक है, अब फोर्स अटेंशन पढ़ने से पहले हम और आप ये जान लेते हैं कि बैरियर में फोर्स अटेंशन का क्या रोल होता है, या कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम और आप और ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम करती हैं एक अच्छी रुकावटें सुनने में। सबसे पहले अगर ये इसकी फोर्स अटेंशन की भी हम और आप बात कर लेते हैं तो एक बात हमेशा समझ लीजिए कि लिसनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, लिसनिंग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को बैरियर के पढ़ने के लिए से पहले हमें और आपको ये बात एक इम्पॉर्टेंट हम समझ लेते हैं कि लिसनिंग जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इंटरैक्टिव होता है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। एट टाइम्स ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम फेल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, कि हम बैरियर से कोप अप कर पाएँ।
ठीक है, बैरियर्स से कोप अप कर पाएं। एट टाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि जो रुकावटें होती हैं इससे हमारा बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, एक प्रॉपर उसमें क्या आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस से कोप अप करने के लिए या हम लिसन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी उस चीज़ में ब्लॉकअप आ गई है। अब ब्लॉकेज से कैसे बाहर निकलते हैं या ब्लॉकेज क्यों आती हैं, वो इन फॉलोइंग पॉइंट्स के अंदर हमारा पढ़ेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम और आप एक अच्छी लिसनिंग करना चाहते हैं तो हमें और आपको इन बैरियर्स को, जो भी अभी हम एनलिस्ट करने वाले हैं, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान उसे एफर्ट नहीं लगाता है या उन बैरियर्स को करेक्ट अप नहीं कर पाते हैं तो कभी भी वो आपका प्रोसेस जो होता है वो लिसनिंग का एक फोर्स्ड प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रोसेस आपका लिसनिंग का नहीं कहला पाता। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लिसनिंग का प्रोसेस ना तो एक्टिव बन पाता है ना ही पैसिव बन पाता है, वो प्रोसेस आपका हियरिंग बन जाता है। ठीक है, ना ही वो एक्टिव प्रोसेस होता है ना ही वो पैसिव प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपका हियरिंग का प्रोसेस बन जाता है। यानी कि उस प्रोसेस से हम और आप हियरिंग कर रहे हैं, हम लिसनिंग उस प्रोसेस में नहीं करते हैं। अब पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स अटेंशन है, फोर्स अटेंशन को हम और आप लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स अटेंशन को हम और आप लैक ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि लिसनिंग में एक इम्पॉर्टेंट बैरियर का काम करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम फोर्स अटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ये एक बहुत कॉमन सा बैरियर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा बैरियर होता है। कॉमन सा बैरियर इसमें क्यों होता है, ये कॉमन बैरियर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ऑडियंस होते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि जो ऑडियंस होते हैं वो स्टार्ट करते हैं किस चीज़ में, उनका दिमाग जो होता है पहले से प्री ऑक्यूपाइड होता है। इस पॉइंट के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ऑडियंस होते हैं उनका जो माइंड होता है आपका वो प्री ऑक्यूपाइड होता है। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, पहले से ही कहीं ना कहीं ऑडियंस का दिमाग समवेयर एल्स, मतलब कि ऑडियंस के दिमाग में पहले से कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, ऑडियंस का दिमाग पहले से ही किसी और चीज़ में एंगेज अप होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दे हैव वेरी लेस अटेंशन, उनके पास वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहते आपके लिसनिंग को सुनने के लिए। ठीक है, अब उनके हेयर्स जो होते हैं, इसमें होता है कि जो वो होते हैं, मतलब जो ऑडियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रहते, अटेंटिव नहीं रहते मतलब कि फिजिकली वो लोग वहाँ पर हैं, फिजिकली वो लोग वहाँ पर हैं लेकिन मेंटली वो लोग वहाँ से क्या हैं, एब्सेंट हैं। बैठेंगे कैसे, उनका जो चिन है, चिन मतलब ठोड़ी है, उस पर अपने क्या टिका के बैठेंगे, हैंड्स। ठीक है, और अपनी जो आईज होंगी, आईज अपनी वाइड ओपन, वाइड ओपन का मतलब क्या होता है, आंखें अपनी बहुत बड़ी बड़ी खोल के बैठेंगे, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं मानो हम आपकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये यूजुअली हम क्लासरूम्स के अंदर देखते हैं, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो ये जो मैंने आपको अभी भी बात बताई, ये पॉइंट हम यूजुअली आपका क्लासरूम्स के अंदर देखते हैं। इसमें ये होता है कि ये पुअर लिसनिंग की निशानी है, ये सब किसकी हैं, ये सब आपकी पुअर लिसनिंग की निशानी है। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब उनका मन लेक्चर्स में नहीं करता लगता या आपका भी नहीं लगता है, तो वो यूजुअली आंखें खोल के, ठोड़ी पर अपना हाथ रख के, ऐसे करके पोस्चर्स में बैठते हैं, तो टीचर्स को पता चल जाता है दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग व्हाट दे आर डिक्टेटिंग इन द क्लास। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड स्पीकर। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड स्पीकर, अब इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, प्रीमैच्योर का मतलब होता है पहले से ही, प्रीमैच्योर का मतलब क्या होता है, पहले से ही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है जो कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो फील्ड होता है, जिस चीज़ पर स्पीकर खड़े होकर अपनी बात को क्या कर रहा है, डिक्टेट अप कर रहा है, या जो स्पीकर है वो अपनी बात को नरेट अप कर रहा है। तो जो रिसीवर होता है वो उस चीज़ के बारे में पहले से ही एक माइंड मेकअप करके रखता है, अच्छा ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में तो मैं पहले से ही जानता हूँ,
मैं इस टॉपिक के बारे में इनसे सुन के या पढ़ के क्या करूँगा। ये टॉपिक तो मुझे पहले से ही आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्री मेच्योर इवेल्यूएशन ऑफ स्पीकर का भी करके रखते हैं। ये वक्ता है, अरे इसे तो कुछ भी नहीं आता, हम इससे क्यों पढ़ें, इससे अच्छा तो हमें पता है। यानी कि आपने पहले से ही इवेल्यूएशन, हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन, आपने पहले से ही इस चीज़ का मूल्यांकन करके रख रखा है, दैट द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट अलॉन्ग विद द स्पीकर विच इज़ बीन नरेटेड और डिक्टेटेड इन द क्लासरूम, यू हैव एन कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग दैट कंटेंट एंड ऑल्सो अबाउट द स्पीकर विच इज़ नॉट ट्रू, लेकिन वो सच नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी फाइंड दैट द पुअर लिसनिंग कन्विंस देमसेल्फ, जो पुअर लिसनर्स होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं जो अच्छे सुनने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, जो पुअर लिसनर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या करके रखते हैं, कन्विंस करके रखते हैं। किस चीज़ से कन्विंस करके रखते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, जो टॉपिक जो है वो अनइंटरेस्टिंग है। क्यों अनइंटरेस्टिंग है या वो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही उनके दिमाग में चेन है ऑफ किस चीज़ की, नेगेटिव थॉट्स। उनके दिमाग में पहले से ही चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स है रिलेटेड टू द टॉपिक एज वेल एज रिलेटेड टू द स्पीकर, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया। तो प्री मैच्योर इवेल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का मतलब आपको समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट में उसने ये कहा कि जबरदस्ती आपको बिठाया गया है कि आप सुनिए और हमारी बात को सुनिए। एक प्रेशर में आप बैठे हुए हैं जिससे कि आपके फेस पर विजिबिलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि आपका पढ़ने के लिए मन नहीं है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया प्री मैच्योर इवेल्यूएशन, आप पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके बैठते हैं विद द नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू द स्पीकर। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका हार्ड लिसनिंग। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, हार्ड लिसनिंग। हार्ड लिसनिंग का मतलब क्या होता है, हार्ड लिसनिंग आप एक तरीके से कह सकते हैं जो पुअर लिसनर्स होते हैं उनके लिए हार्ड लिसनिंग करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम होता है, या वो अक्सर हम ये कहते हैं कि चीज़ों की हार्ड लिसनिंग ही करते हैं, ठीक है। हार्ड लिसनिंग में ये होता है कि जो पुअर लिसनर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड, किस चीज़ में, कि वो जो भी स्पीकर्स हैं उन्होंने जो भी बात कही, जो भी वर्ड उनके मुंह से अटर हुए, हर वर्ड को हम क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जो कि स्पीकर ने कही और वो हमारे यहाँ से निकल जाए। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था व्हेन आई वाज अ किड एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता था कि व्हाट द टीचर इज सेइंग शी इज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एब्जॉर्ब आउट द थिंग्स, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न अप एवरीथिंग विच वॉज बीन अटर्ड आउट बाई माई टीचर्स माउथ। सो हार्ड लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक वक्ता किसी भी श्रोता की सारी बातों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है, आप कोई भी वक्ता अपनी सारी बातों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो उस चीज़ को हम उस चीज़ को हार्ड लिसनिंग कहते हैं। अगर हम हार्ड लिसनिंग की बात करें तो हार्ड लिसनिंग कई बार हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित हो जाती है और कई बार हार्ड लिसनिंग हमारे लिए नेगेटिव भी साबित होती है। कई बार हम लोग हार्ड लिसनिंग अच्छे के लिए भी कर पाते हैं और हार्ड लिसनिंग कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी साबित हो जाती है, ठीक है। अब या तो जो एम्प्लॉइंग होती है, अगर कुछ लोग अब ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं, यानी कि ऐसे चीज़ों लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो जो लिसनर्स होते हैं वो लूज़ कर देते हैं, क्या लूज़ कर देते हैं, साइट ऑफ मेन आइडिया, यानी कि सब कुछ एब्जॉर्ब करने के चक्कर में जो मेन कंसंट्रेटिंग आइडिया था या मेन फोकस्ड पॉइंट था जिस पर उन्हें क्या करना था, कंसंट्रेट करना था, उस चीज़ को शायद वो उतना, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं कंसंट्रेट करेंगे, उस चीज़ को इतना पिक्यूलियरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते जितना पिक्यूलियरली उनको उस चीज़ को कंसंट्रेट करना था। तो एट टाइम्स ऐसे केसेस के अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब करने के चक्कर में, हार्ड लिसनिंग करने के चक्कर में हमें प्रॉब्लम हो जाती है और हम और आप पूरे अच्छी जो हमारे प्राइमरी पॉइंट्स थे स्पीकर की बात के, प्राइमरी मेन फोकस्ड पॉइंट्स थे, उनको क्या कर देते हैं,
अनजाने में नेगलेक्ट कर देते हैं और बाकी चीज़ों को एब्जॉर्ब अप करने की कोशिश कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस का मतलब क्या होता है? पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस का मतलब यहाँ पर दो लोगों से है, स्पीकर और रिसीवर, यानी कि जो बोल रहा है और जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है। एट टाइम्स कि टीचर्स से आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, एट टाइम्स आपके साथ ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। अब टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना होने की वजह से आपके साथ प्रॉब्लम रहता है और आप चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हुआ, इंटरपर्सनल का मतलब होता है आपस में, यानी कि आप और हम अच्छी तरीके से प्रॉपरली आपस में रिलेशनशिप्स ना होने की वजह से किसी भी एक इम्पॉर्टेंट बात को एब्जॉर्ब अप या अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाते। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी होता है, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स की अगर हम और आप बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशनल स्पीकर्स? मोटिवेशनल स्पीकर्स का मतलब होता है जैसे पीपल लाइक संदीप महेश्वरी, पीपल लाइक शिव खेड़ा, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। बट जो लोग इनके अपोजिटर्स होते हैं या जो लोग इनके अपोजिशंस में रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्बड अप करते हैं कि इनके साथ हमारा मतलब इनका अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स ना होने की वजह से इनकी बातों को ध्यान से सुनते नहीं है और हमें भी सुनने नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर एक्साइटमेंट। मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था कि ये जो उनके साथ आपके पास्ट में प्रॉब्लम रहा हो सकता है, प्रेजेंट में प्रॉब्लम रहा हो सकता है, तो उस चीज़ का जो पास्ट और प्रेजेंट का वो होता है ये आपका करंट टाइम पे निकलता है जब वो अपना लेक्चर या कोई भी चीज़ को डिक्टेट अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट आता है ओवर एक्साइटमेंट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी मीन बाय ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा क्या होते हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा आप होते हैं खुश, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कई बार हम लोग बहुत खुश हो गए हैं तो खुशी खुशी में हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते, अरे हाँ यार मैं इतना खुश था, मैं इतना वो हो गया था कि मैंने तुम्हारी बात को ही नहीं सुना, ठीक है। तो चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गम में भी कह सकते हैं, चीज़ों को हम ध्यान से सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो हमारा मेन फोकस्ड पॉइंट होता है, जो लिसनर का मेन बात आपका कहने का मुद्दा होता है, वो सब चीज़ें हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वो चीज़ें सुनने लगते हैं जिन चीज़ों को हमें सुनना नहीं चाहिए था। ओवर एक्साइटमेंट होता है कि खुशी खुशी में, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हम खुशी खुशी में किसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम समय जो होता है ना, कई बार उन चीज़ों को पर ट्रैक करने में, उन आइडियाज़ को ट्रैकअप करने में लगा देते हैं जो मतलब हमें नहीं करने चाहिए। तो ओवर एक्साइटमेंट का मतलब यहाँ पे हुआ जब हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं किसी चीज़ को लेके, तो खुशी खुशी में हम वो बातों को नेगलेक्ट अप कर देते हैं जो शायद हमें नेगलेक्ट अप नहीं करनी चाहिए थी, और हम उस ट्रैक से भटक जाते हैं, हम उस ट्रैक से क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जो कि स्पीकर का क्या था, जो भी स्पीकर का क्या था, मेन आइडिया था, और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हम स्पीकर के आइडियाज़ को भूल जाते हैं और जो है स्पीकर अपनी ही कोई ना कोई पॉइंट को अपने माइंड में फ्रेम अप करके उसे इलैबोरेट अप करते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा लिसन करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए कि स्पीकर का आइडिया क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने इमोशंस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें इमोशंस पर कंट्रोल अप करना चाहिए और इमोशंस के बेसिस पर चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट का आप क्या क्या कहता है, डिफरेंट
लैंग्वेज, ठीक है। अब डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है, डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो स्पीकर होता है और जो रिसीवर होता है दोनों की लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की लैंग्वेज डिफर होती है। दोनों की लैंग्वेज डिफर होने की वजह से जो है दोनों एक दूसरे की बात को ध्यान से नहीं समझ पाते। कहने का मतलब है स्पीकर अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रिसीवर को समझा रहा है, रिसीवर अपनी बात बहुत अच्छे से स्पीकर को समझा रहा है, यानी कि दोनों ही लोग कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही लोग कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोनों चाह के भी कॉन्वर्सेशंस अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। रीजन बिहाइंड डिफरेंस इन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप एक आप हैं, दैट मीन्स एक नॉर्थ इंडियन है और एक बंदा आपका साउथ इंडियन है, ठीक है। एक बंदा आपका सदर्न इंडिया से है या हम कह सकते हैं साउथ इंडियन है। अब दोनों ही लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही लोग हिंदी बोल रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी क्लास में हम लोग एक नॉर्थ इंडियन है और हमारी क्लास में कोई साउथ इंडियन व्यक्ति आ जाता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जो साउथ इंडियन व्यक्ति है या जो साउथ इंडियन बंदा है वो हिंदी में बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो साउथ इंडियन व्यक्ति है आपका, वो साउथ इंडियन व्यक्ति जो है वो आपका हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन उसका जो एसेंट है, लेकिन उसका जो एसेंट है वो एसेंट क्या है, वो एसेंट ऐसा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी बोल रहा है लेकिन हिंदी आपकी समझ में होते हुए भी नहीं आ रही है, वाइस वर्सा। अगर आप नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति हैं और आप साउथ इंडिया चले जाते हैं और चेन्नई में जाके आप तमिल में या तेलुगु में सीख लेते हैं और आप तमिल तेलुगु में अपना लेक्चर डिक्टेट अप करते हैं, लेकिन क्या होता है तमिल तेलुगु में लेक्चर डिक्टेट अप करने पर भी आप उन लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आती। द प्रॉब्लम इज विद द डिफरेंट लैंग्वेज, हेयर द प्रॉब्लम अराइजेस विद द एसेंट। आई होप सबको याद होगा हमने एसेंट पढ़ा था। द प्रॉब्लम लाइजेस विद प्रोनंसिएशन, आपका प्रोनंसिएशन उनसे बिल्कुल अलग है, शब्दों को उच्चारण करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं कि आपके और हमारे, यानी कि उनके और हमारे कल्चर में बैरियर है। कल्चर बैरियर का मतलब क्या होता है, उनके प्रांत में उनके राज्य में जो चीज़ें हम जैसे फॉलो अप करते हैं वैसे हम उनके अकॉर्डिंग नहीं करते, या वो हमारे अकॉर्डिंगली उतना फॉलो अप नहीं करते। नेक्स्ट है आपका एक प्रॉब्लम और है आपका, एक नया पॉइंट है आपका, नॉन अटेंटिव स्टेट ऑफ माइंड। नॉन अटेंटिव स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, नॉन अटेंटिव स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है कि आपका जो माइंड है, ठीक है, वो 50% वहाँ प्रेजेंट है और 50% वहाँ से एब्सेंट है, यानी कि आपका दिमाग 50% आप ये कह सकते हैं कि जब एक स्पीकर अपनी बात को कर रहा होता है, जब एक स्पीकर कोई बात को कह रहा होता है तो आपका दिमाग पहले ही किसी और प्रॉब्लम में एंगेज्ड अप होता है। एग्जाम्पल अब देखिए फोर्स अटेंशन और नॉन अटेंटिव में डिफरेंस क्या है। फोर्स अटेंशन में जबरदस्ती आपको बिठाया गया है कि सुनो क्लास करो नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगा, लेकिन नॉन अटेंटिव में क्या होता है कि आप इमोशनली वीक हैं या फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, बट यू वॉन्ट टू रेंडर योर माइंड, यू वॉन्ट टू अटेंड दैट लेक्चर, यू वॉन्ट टू अटेंड वॉट द स्पीकर इज सेइंग, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम योर माइंड इज बीन एंगेज्ड आउट समवेयर एल्स ऑल्सो। That means इसमें आप voluntarily यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप involuntarily थे। यहाँ पर जबरन आपको कहा जा रहा है कि आप listen करिए, but यहाँ पर जबरन नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर बैठे हुए हैं, but the problem is that कि आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से grasp up नहीं कर पा रहे जितना अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए। For example, you want to study, you want to secure good marks, but you are having some financial problems in your family, due to which you are not able to concentrate on your studies well, but on the other hand you people are trying your level best to attend lectures, you people are trying to grasp up the things which your teachers are saying and all those crap is there, but you have to cope up from the situation. So non-attentive state of mind ka matlab kya hota hai ki you want to listen, you want to be there, but due to some problems you are 50% not been engaged in what the speaker is delivering the content to you people. Next 8th point aapka kya kehta hai,
नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन। अब डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, व्हाट डू वी मीन बाय परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है सोच, परसेप्शन का मतलब होता है हम चीजों में कितना दिमाग चलाते हैं। अब एज वी ऑलवेज सेज इन इंग्लिश दैट ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट अलाइक, वी ऑलवेज सेज दैट ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट अलाइक, हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। सिमिलरली एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ हैव डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन। सिमिलरली यू कैन से दैट एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ हैव डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन, यानी कि दुनिया में हर इंसान के सोचने समझने का लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हम क्लासरूम्स की बात करते हैं, अगर हम और आप अपने क्लासरूम की बात करते हैं, तो इफ देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो डू यू थिंक सो दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैव द सेम लेवल ऑफ ग्रैस्पिंग पावर एज ऑफ अदर स्टूडेंट? नहीं, टीचर एक है, बच्चे 50 हैं, इन्हीं 50 में से कोई फर्स्ट आता है, इन्हीं 50 में से कोई सेकंड आता है, इन्हीं में से कोई थर्ड आता है, एंड इन्हीं में से देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट फेल्ड। व्हाई? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ऐसा क्यों होता है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन एंड अ ग्रास्पिंग पावर। द टीचर इज सेम, द टीचर एक्सप्लेन्स आउट एवरीथिंग विद द नॉर्मल स्पीड, विद द सेम स्पीड, विद इन द सेम कैंपस, विद इन द सेम क्लासरूम, the same topic, the same commentary, everything is same, and everybody above all sits together during the delivery of that lecture of the teacher. But then also some students grasp up very quickly, some students grasp up slowly, and some students are there who never ever try to grasp up, or if they try to grasp up, then also they are not been able to grasp up. The question arises, why? Again, the answer is that the people have different level of perception. Okay? Now, again, the question arises that the people have different level of perception. Their mental level is different, their physical level, their age, their gender is same, but they have a different mental grasping ability due to their lack of motor development, due to a lack of like personal background, age group, etc., etc. But the thing is that because of different level of perception, different grasping power, people are not able to cope up with the current situations, and due to which they are not being able to grasp up like as of other student. The next point is, the ninth point is distraction. The ninth point is distraction. Now the question arises that what is this distraction? Distraction means you have something or the other which creates a problem, which creates some not exactly the problem, or which are acting as a hurdle in completing your task well. That is well on time. And time हो गया, या well आप कह सकते हैं कि according to level हो गया, ठीक है? Distractions means like some people, ठीक है? Some people have many problems around due to external environment. That is, we can say that due to surroundings. ठीक है, अब जैसे distractions की हम बात करते हैं, सबसे पहला point है आपका noise. बहुत सही बात है, noise जो होता है आपके लिए एक distraction का काम करता है. Now the question arises, how? Noise always act as a distraction to the people. For example, if you people are studying in a classroom and you get a phone call,
और यू गेट somebody हु इज कॉलिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, यू गॉट अ लाइक अ प्योन arrives इन द क्लासरूम, और लाइक वी आर मेडिंग, आई एम मेडिंग अ वीडियो फॉर यू पीपल, एंड इन द बैकग्राउंड मेनी नॉइसेज आर देयर, लाइक द नॉइस ऑफ अ व्हीकल, द नॉइस और द नॉइस ऑफ अ चाइल्ड, द नॉइस ऑफ वन ऑफ द अदर थिंग, द नॉइस ऑफ अ वॉटर. Fine. We try to overcome from these problems. We try to overcome from the noise, but we are not able to cope up from it. The reason behind is that we resides in an environment. We resides in a place where the people are there, where the life is there, except you, including you. So the noise always arises. Then we can say that the noise act as a distraction, and you are trying to focus up, but due to noise. From any of the other sources, you get distracted and your mind focuses on the noise which you don't want to. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं. एक प्रॉब्लम आपका नॉइज हो गया, एक हो जाता है आपका इम्प्रॉपर ट्राइंग. एक पॉइंट हो गया आपका इम्प्रॉपर टाइम. अब इम्प्रॉपर टाइम भी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है. क्यों? You made a phone call to your friend. You made a phone call to your friend around 1 in the night. Don't you think so that it is a proper, it is an improper time to call? तो वो जो बंदा होगा, आपको लगता है क्या उस टाइम पर आपकी बात को प्रॉपरली लिसन अप कर पाएगा? I don't think so. Like for example, you made a call to your friend around 1 and says that wow, मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने तुझे कॉल किया. ठीक है, अच्छा सुन, एक काम करियो, कल अपनी उस सब्जेक्ट की कॉपी लेके आई. In the morning when you met your friend, you asked, have you bought the copy? I have made you a call at 1 in the night. He said, no, I have not. Because I was not in my, not in a conscious state. I was in unconscious state. I was in a sleeping mode and you were making me a call. So I didn't receive, picked up the content. What do you want to say? So we can say that I was distracted because of improper time. I was not able to concentrate out that what you people were saying. So this is again create a different type of hurdle. Fine. Next, ek distraction kya hota hai? Over attitude ya ego of a person. ठीक है, ओवर एटीट्यूड है ईगो ऑफ अ पर्सन. ईगो ऑफ अ पर्सन का मतलब क्या होता है? ओवर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? आई नो एवरीथिंग आई एम राइट. मुझे सब कुछ पता है, मैं बिल्कुल सही हूँ. सम पीपल हैव द ईगोइस्टिक प्रॉब्लम. सम पीपल हैव द आई कैन से दैट attitude problem, the ego problem. So we can say that because of this distraction, the people are not being able to cope up with the situation. ठीक है, next point is आपका lack of facilities. Lack of facilities is again a problem and again a listening barrier. How come? आप सुनना चाहते हैं चीज़ों को, but you don't have the proper facilities, the proper equipments. ठीक है, द प्रॉपर मोड्स, द प्रॉपर थिंग्स टू लर्न अप द थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू लिसन सम वीडियो लेक्चर्स ऑन टू यूट्यूब, बट यू डोंट हैव अ फोन, बट यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, बट यू डोंट हैव अ लैपटॉप. दैट मीन्स वी कैन से दैट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, absence of materialistic things which creates a problem or which act as a hurdle to listen out, which act as a hurdle to listen out what the other person or the people want to listen to. ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं उसके अराउंड वो चीज़ें नहीं होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है. ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में बैरियर समझ में आ गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह सकता है इसमें? ये 10 के 10 पॉइंट्स हो गए हैं. हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप इनको स्लूट अप कर सकते हैं जिससे कि आपको सजेशंस पता चल जाएंगे कि बैरियर से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से सजेशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो पहला था फोर्स अटेंशन, दूसरा था प्री मैच्योर इवेल्युएशन,
ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तीसरा था आपका हार्ड लिसनिंग, चौथा है आपका पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पांचवा है आपका ओवर एक्साइटमेंट, छठा है आपका डिफरेंट लैंग्वेज, सातवां है आपका नॉन अटेंटिव स्टेट ऑफ माइंड, आठवां है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन, नौवां है आपका डिस्ट्रैक्शन और दसवां और आखिरी था आपका लैक ऑफ फैसिलिटीज। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर अप हो गए होंगे। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में हम अपने नेक्स्ट उसमें हमारा नए टॉपिक को हम लिसनिंग के नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने एडवांटेज या बैरियर को दूर करने वाले सजेशंस या बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन मेक मी अ कॉल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो भी आपके रिमेनिंग पार्ट रह गया है लिसनिंग का, जैसे कि उसमें हमारा भी बच गया है कि कौन कौन से 5 एडवांटेज होंगे या रीजंस क्या होते हैं लिसनिंग के, ठीक है, ये सब देखिए, जितने भी मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक्स आ रहे हैं ये भी सब लिसनिंग के एक बैरियर का काम है। बट द थिंग इज दैट वी कैन नॉट कोप अप आउट फ्रॉम दिस, वी हैव टू मैनेज द थिंग्स विद दीज बैरियर्स ओनली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और आप लिसनिंग के रीजंस पढ़ेंगे, ठीक है, और 3 M's पढ़ेंगे और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम और आप ये जरूर पढ़ेंगे रिविजन पे कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।